हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी का सीन ऐसा है, मैं जरा अपने हेयर कट करवाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, आँखों में आ रहे हैं, तो इनको थोड़े थोड़े कट करवाते हैं और अच्छे से सेट करवाते हैं। और हमारा प्लान है कल हल्द्वानी जाने का, तो सोच रहा हूँ उससे पहले जल्दी से बाल कटवा ही लेते हैं। किस लिए जा रहे हैं, क्या है, वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में चल जाएगा पता। तो फिलहाल तो चलते हैं, पहले तो बाल कटवाता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। एक तो बाय द वे ये रहा ओरियो, इसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। कटवा दूँ क्या बाल, हैं ओलू? कमेंट करके बताने इसके बाल कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए। मम्मी जी ने तो इतना बोला कल कि बाल कटवा, इसके बाल कटवा बाल कटवा, क्योंकि उड़ते हैं ना इसके बाल, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। बट मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है यार, प्यारे लगते हैं बाल। चल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, रोटी एंड सब्जी है, आलू की सब्जी है ना। तू खा रहा है? चश्मा क्यों लगा रखा है तूने घर में? बस अब जा खाने पे ले तो दे, चॉकलेट दे मेरे को भी दे, बाल कटवाने चल ना। तो भी बहुत टाइम के बाद गाड़ी चलाएंगे, बहुत ही तेज़ धूप हो रही है एंड साहिल ने गाड़ी सीख ली चलानी मेरे पीछे से। अरे चाबी तो लाई नहीं इसकी, वाह चाबी लाई नहीं, ऐसे ही पहुंच गए यहाँ। ठोकी तो नहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं। तो बाल कटवा के आते हैं जल्दी से, पीयूष नहीं आया क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास है, और नवीन भी तो आ रहा है। वो टैक्सी वाले दिन थे, खुश खुश रातें, मेरे साथ मेरा गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे, ये हमारे फ्रेंड की शॉप है, इसके आगे लगा देंगे। ये देखो कैसे लगवाई है इसने गाड़ी, कोई ठोक देगा इधर से, रोड में निकली हुई है, ऐसे लगानी पड़ेगी ऐसे, कुछ ज़्यादा लंबी गाड़ी है। तो भैया ही लगा रहे हैं अपने हिसाब से। तो गाइस बाल में कटवाया हल्के हल्के, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थोड़े थोड़े कान के ऊपर से यहाँ से। तो फिलहाल अब नहाते हैं, तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:21। तो फिलहाल अभी हमारा मन कर रहा है पॉपकॉर्न बनाने का, तो लास्ट पैकेट बचा हुआ था, बना लेते हैं इसको भी। ये देखो नीचे से इतना बड़ा बाउल उठा के लाया, इसमें डालूंगा। करंट लगा, माइक्रोवेव से करंट लगता है? क्यों लगता है, यहाँ पर लगा। 10 मिनट का डाल, 10 मिनट का टाइम। सीरियसली बताओ ना, ये माइक्रोवेव हमने लिया इसका कोई फायदा नहीं लगा मुझे, इसमें सिर्फ हमारा केक बनता है, पॉपकॉर्न बनते हैं और बस, और तो कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। एक बार पिज्ज़ा बनाया था बस। मम्मी कहती है मेरे को तो यूज़ करना नहीं है, मेरे लिए तो गैस ही काफ़ी है, तो मम्मी कह रही है ऊपर ही पड़े रहने दे इसको। तो माइक्रोवेव का मुझे कोई फायदा नहीं लगा यार। और हमारा जो किचन है ना वो भी छोटा सा है, तो वहाँ अगर रख दिया ना ये तो मम्मी को दिक्कत ही होगी। तो मम्मी कहती है मेरे को नीचे ही है, ऊपर ही पड़े रहने दे, मेरा काम चल जाता है। मम्मी को स्टार्टिंग से यूज़ करने की आदत नहीं है ना माइक्रोवेव गर्म वगैरह करने के लिए, इसीलिए मम्मी को लग रहा है। वैसे काफ़ी यूज़फुल है गर्म वगैरह करने के लिए। तो कोई घूमर कर रहा है, घूमर 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 घूमर, बनने स्टार्ट हो चुके हैं, आवाज़ आ रही है फट 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 फट, ये देखो घूमर 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 घूमर। अब इसमें से आवाज़ आनी बंद होगी तो समझ ले हो गए, कर दे स्टॉप। अरे भाई साहब इतना बड़ा बाउल भर गया है ना, साथ में कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस होता। ले अरे खाएगी? नहीं खा रहा। तो मम्मी भी आ चुकी, क्या ले आए हो, चाय लाए हो? हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचते थे आप चाय ले आए। चाय पी ले फिर। और तू मेरे पास आ गया, तू मेरे पास क्यों आ गया, तेरी अभी कंगी करती हूँ। ओह प्यार, ओह प्यार, हेलो कर ले, हेलो कर ले, चल नमस्ते कर दे, नमस्ते कर दे, और नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते। हाँ बाल छोटे कर रहा है, बाल छोटे लग रहे हैं आज, पहली बार मम्मी ने बोला कि बाल छोटे लग रहे हैं, नहीं तो यूज ही करती थी इतने बड़े लग रहे हैं, कटवाने के बाद भी बड़े ही लग रहे हैं। तो ये पूरी फैमिली यहाँ बैठी है पॉपकॉर्न और चाय के मजे लेते हुए। साहिल कहाँ है? वो तो रहता ही नहीं कभी साथ में, वो अलग ही रहता है भाई। और ये भी यहीं पे ही है, आपके हाथ से खा रहे हैं, मैंने दिया तब नहीं खाया इसमें। तो अभी एक बात के लिए मम्मी को मना लिया है कि ओरियो के बाल हम नहीं काट रहे। अभी दिव्य भाई से बात हुई थी हिमालयन हस्की से, तो उन्होंने कहा कि नहीं कटवाने ओरियो के, ओरियो गर्मी लगेगी, गर्मी की वजह से बाल बाल झड़ते हैं। ओरियो कंघी करते रहो बस, इसके बाल वैसे ही निकल जाएंगे फिर झड़ेंगे। ओरी आपके बाल बच गए, अब नहीं कटवाएंगे ठीक है। तेल लगा दो थोड़ा, तेल तेल से चिपक जाएंगे इसके बाल, चिपक जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो, इंसान थोड़ी ना है वो तेल लगाओगे। इसके कान भी ऐसे कर देना, ऐसे क्या दिक्कत है क्या तेल लगाने में? नहीं इनके बालों पे तेल नहीं लगता। ओरियो ओरी आपके बाल बच गए, अब नहीं कटेंगे ठीक है। इसके इतने प्यारे प्यारे बाल हैं इसलिए तो इतना सुंदर लगता है, जब नहाता है ना तब बाल इसके ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तब अजीब सा लगता है। पिछवाड़े पे तो खतरनाक बाल है इसके, देखना है ना,
भाई साहब उधर हट, कह रही हूँ ऐसे ही बाल हो रहे हैं कपड़ों में। तो अभी शाम के 6 बज चुके, अभी कॉल आया कि तुम्हारे कुरियर आए हैं, तो चलो कुरियर लेके आते हैं अपने। और हमारे ओरियो के बाल नहीं कट रहे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो पार्किंग हमको मिली है खतरनाक जगह पे, यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा है। तो कुरियर्स तो ले लिया है, एक पीयूष ने उठा लिया, एक मैंने, पीयूष थोड़ा भारी है इसलिए मैंने सारे उठा लिए, पीयूष को एक ही दे दिया। तो कुछ इतने कुरियर्स आए हैं, इनको घर पे जाके अनबॉक्स करेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, बहुत टाइम हो गया गोलगप्पे ही नहीं खाए हमने। तो देखते हैं अगर भैया मिलते हैं तो हमारे फेवरेट वाले खा लेंगे थोड़े बहुत, थोड़े हुए तो कहने की बात होती है, फिर तो बस आने दो भाई। तो वो हैं सामने गोलगप्पे वाले भैया, फाइनली मिल चुके हैं। प्रमोशन कर दिया। हाय। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिला है छोटा सा। भैया गोलगप्पे खिला दो, तीखा पानी देना मेरे को। तो कौन सा भैया? गोलगप्पे तो हो गए, अब कह रहा है पापड़ी खाऊंगा। तो क्या मस्त गोलगप्पे एंड पापड़ी हो रही थी, मजा आ गया बहुत टाइम के बाद। अब चलते हैं घर पे। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं घर पे और आगे गाड़ी लग रखी है। आई एम उतरिंग ब्रो। तो अभी जस्ट केक आया है, ये आपको दिख रहा होगा 1 लिखा हुआ है, क्योंकि आज हमारी वीडियो आई है नंबर वन ट्रेंडिंग में। तो पारस भी अभी केक लेके आया, मैं कह ये क्या हो गया। और रियली भाई मैं तो इसलिए लेके आया हूं क्योंकि देखो बहुत बड़ा हाथ है उसमें आपका, तो मैं क्या जो भी खुशी होती है, कुछ भी हम लोग दुख सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, चाहे कोविड ड्यूरिंग कोविड चाहे खुशी में, तो भाई वो बनता है भाई के साथ सेलिब्रेट करना। और ये शेष भी ले जाओ। और केक बहुत टेस्टी लग रहा है। 10 बजने वाले हैं, अब आए हो? अरे मैं आ गया, मैं केक देने अभी लेके आए थे, वो लोग मिल लिए। तो अभी रात के 11:30 बज गया, डिनर आ गया मेरा और एडिटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। कल सुबह सुबह हमको निकलना है, सामान पैक कर लिया, कल सुबह निकलना है। कर लिया क्या? जाके सो जा, सुबह जल्दी उठना है। गाड़ी में सोता रहे, कोई टेंशन नहीं, सोने की टेंशन नहीं है। तो अभी फिलहाल डिनर करता हूँ, एडिटिंग भी अभी थोड़ी बहुत बाकी है, ये भी करनी है। 12 बजने वाले हैं, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे निकलना है हमको, तो कभी काफी काम बाकी है। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। और हाँ, जो मैं कुरियर लाया था वो भी अनबॉक्स नहीं कर पाया बिकॉज कल सुबह निकलना है, तो भी एडिटिंग मैं सोच रहा हूँ इसको व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, अब आपको चल जाएगा पता किस काम से जा रहे हैं। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। क्या दिख रहे? अच्छा बच्चे आए हैं कुछ बाहर गली में, तो ये देख रहा है कैमरे में। इतना समझदार कब से हो गया रे तू, कैमरे में देख रहा है, कैमरे में देख रहा है, इसको बाहर नहीं जाने दे रहे ना, कैमरे में देख रहा है। ओलू।